56 नंबर शीट में क्या बोल रहा है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम एंड गॉज प्रेशर। ये गॉज प्रेशर क्या होता है, ये होता है, ये देखो किसी भी पॉइंट का प्रेशर, किसी भी पॉइंट के प्रेशर में से अगर मैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दूं, इनके डिफरेंस को गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो मान लो किसी पॉइंट का प्रेशर एब्सोल्यूट टोटल प्रेशर जो भी आएगा इंक्लूडिंग एटमोस्फेयर, उसमें से एटमोस्फेयर को माइनस कर दो तो बचा हुआ प्रेशर गॉज प्रेशर है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टॉप ऑफ द हेड। ये लो, ये हार्ट है और ये हेड है। आपकी दिल भी तो एक मशीन ही तो है, वो ब्लड को पंप कर रही है और अगेंस्ट ग्रेविटी दिमाग तक लेके जा रही है, और कई बार ज़्यादा भी चढ़ा देती है ब्लड, ब्लड प्रेशर हो गया तेज चढ़ाती है, कई बार आराम आराम से दिक्कत कर देती है, लो ब्लड प्रेशर हो गया, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो चलो जो है। तो यही तो प्रॉब्लम है, दिमाग तक जाने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर की हाइट है, तो कह रहे कि एज्यूम डेंसिटी ऑफ ब्लड इज गिवन। देखो ना ये गलत है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर लो, डेंसिटी 1.04 CGS में ये इसके इक्वल है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, आपको क्या निकालना है, मिनिमम प्रेशर निकालना है। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, एच रो जी, तो एच की वैल्यू 50 सेंटीमीटर रहने दो, डेंसिटी की वैल्यू 1.04 CGS में रहने दो, और CGS में चल रहा है तो ये 980 रहने दो, तो ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी या प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा हार्ट का और हेड का, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? डाउट इसमें तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, वर्टिकल अगर डिस्टेंस पे लेके जाना है अगेंस्ट ग्रेविटी तो एच रो जी प्रेशर को लगाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस है हार्ट का और हेड का। ठीक, आंसर आएगा यहाँ से, जैसे कॉलम ऑफ वाटर 40 सेंटीमीटर हाई, तो ये वाटर है इस तरफ और वाटर कितनी हाइट पर है, 40 सेंटीमीटर हाइट पर है। ये लो, और ये किसे बैलेंस करता है, 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर को बैलेंस करता है ऑफ अननोन लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलो क्या है, तो क्या करना है, एच रो जी, तो कैसे, एच एच इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू 30 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। एच रो जी इक्वेट कर दिया, CGS के अंदर चल रहा है तो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मल्टीप्लाई कर लो, लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। इसने केजी में निकाला है, कोई बात नहीं, मैंने CGS में निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे पास CGS में डेंसिटी कितनी आ गई, मेरे पास CGS में डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और अगर मुझे SI में लेके आना है तो क्या शॉर्टकट है, इसको 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, जैसे पानी में नहीं करते, वाटर में, वाटर की CGS में डेंसिटी क्या होती है, ये होती है, और वाटर की SI में लेके आनी है तो 1000 से क्या कर देना है, इसे मल्टीप्लाई, शॉर्टकट है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? ठीक है, जैसे इफ वाटर प्रेशर गॉज शोज अ प्रेशर एट ग्राउंड टू बी, ग्राउंड के ऊपर प्रेशर मुझे पता लग गया है कितना, प्रेशर एट ग्राउंड 270 × 10³ पास्कल, कितनी हाइट ये पानी राइज करेगा इस ट्यूब के अंदर, ये आपको बताना है। ऊपर क्या है, पी एटमोसफेयर, ओपन पाइप है, तो मुझे पता है
प्रेशर ग्राउंड के ऊपर माइनस पी एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एच रो जे, यही होगा नीचे ऊपर का प्रेशर। और इसी को तो क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। और प्रेशर गॉज क्या मेजर करता है, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, नीचे का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एच रो जी। एच आपको पता है ये जो, अच्छा हाइट निकालनी है ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता है, आपको गॉज प्रेशर पता है, रादर मैंने ग्राउंड का गलत लिख दिया इसमें, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए कि ग्राउंड का प्रेशर पी जी है, एटमोसफेयर पी एटमोसफेयर है, इसका डिफरेंस गॉज प्रेशर 270 किलो पास्कल है, ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि गॉज प्रेशर है, गॉज प्रेशर इनका डिफरेंस है। इज इक्वल टू एच निकालना है, डेंसिटी लिक्विड की पता है और जी भी पता है, एच निकाल देना आंसर आएगा ऐसे। तो समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, एच रो जी का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा इसमें। ठीक है यहां तक पॉइंट क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल जार ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 20। ये लो, ये एक जार है और ये जार का एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ कितना, 20 सेंटीमीटर। ये लो, इट कैरीज अ टाइट पिस्टन है और नेग्लिजिबल मास, चलो ये पिस्टन है इसका कोई मास नहीं है। कैलकुलेट प्रेशर एट दी बॉटम, तुम्हें यहां पर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है इस पर कितना होगा जब इसके ऊपर तुमने एक मास रख दिया 1 kg का, और इग्नोर एटमोस्फेरिक प्रेशर। चलो अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर लेना होता तो कोई मुझे बताएगा यहां का प्रेशर क्या होता, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी लिक्विड भरा हुआ है प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एरिया, ये वेट एम जी है और ये कितने एरिया पे है, ए एरिया, तो ये प्रेशर भी नीचे लगेगा, एटमोस्फेयर भी लगेगा, एच रोजी भी लगेगा, पिस्टन का प्रेशर भी लगेगा, पर उसने एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्या बोला, निगलेक्ट कर दो, वैल्यू पुट कर लेना आंसर आ जाएगा।